Hello guys, this is Arnie and welcome to Turbo Extreme. Counting double digit इन्फॉर्मेशन देने, जो इन्फॉर्मेशन है कि रॉयल एनफील्ड को ठीक कहां से कराया जाए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक है जिसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमेशा लगी रहती हैं और एक अच्छे मैकेनिक की तलाश हर कोई करता रहता है। तो रॉयल एनफील्ड के मैकेनिक के लिए मैंने बहुत स्टडी किया कि कौन सा अच्छा मैकेनिक है। स्टडी करने के बाद लास्ट में मुझे पता लगा कि 35 नंबर गली में एक मैकेनिक है जिनको लोग कहते हैं डॉक्टर बुलेट, दैट इज बाबा चौहान, डॉक्टर बुलेट के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं उनके पास आया हूँ और आपको उनसे मिलवाता हूँ और देखते हैं कि वो क्या क्या कहते हैं बाइक के बारे में और उनके क्या सजेशंस हैं बाइक के बारे में, और एग्जैक्टली आपको पता लगे कि एक रॉयल एनफील्ड को अगर ठीक कराना हो आफ्टर मार्केट कंपनी से, अगर बाहर आके ठीक कराना हो तो आप कहाँ पर जा सकते हैं एक अच्छे मैकेनिक की तलाश में। तो गाइज मैं यहाँ पे आ गया हूँ और ये हैं बाबा चौहान जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं बेसिकली, मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि रॉयल एनफील्ड को ठीक कहाँ से कराएं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में नॉर्मली बुलेट में और रॉयल एनफील्ड में थोड़ा सा एरर रेट ज़्यादा है नॉर्मल बाइक से, मतलब मैंने ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं आपके पास आऊँ, तो मुझे भी लगा कि ठीक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो मैं आपके पास आज आ ही गया। तो मुझे प्लीज़ आप ये बताएं कि आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? मेरे को सर 22 साल हो गए ये काम करते हैं। अच्छा, वैसे हमारा फैमिली बिजनेस है, फैमिली को रन करते हैं, 52 साल हो गए, 52 ईयर्स। ओके, तो आपकी ये शॉप बेसिकली 52 ईयर्स का? 52 ईयर्स का। ओके, तो ये आपकी कौन सी जनरेशन है, थर्ड है? मैं थर्ड जनरेशन हूँ। आप थर्ड जनरेशन? जो इस लाइन में हूँ। ओके, तो आपने बेसिकली प्रैक्टिकली ही सब कुछ सीखा है या कुछ आपने किया भी हुआ इसके लिए? नहीं, मैंने अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर से काम सीखा है। अच्छा, तो बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज है सारी आपको? हाँ, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ता भी था मैं। ओके, थोड़ा सा पढ़ता भी था, टेक्निकल जो चीज़ होती थी उसको पढ़ता था, थोड़ा वहाँ से भी ज्ञान लिया हुआ है। Okay. थोड़ा अपने बड़े बुजुर्गों से भी ज्ञान लिया हुआ है। बेसिकली आपकी शॉप का नाम क्या है? शॉप का नाम है गुरदयाल ऑटो इंजीनियर्स। गुरदयाल ऑटो इंजीनियर्स? हाँ, मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे नाम। ओके, बट नॉर्मली जब मैंने किसी से पूछा है तो उन्होंने हमेशा मुझे डॉक्टर बुलेट बताया है, बाबा रॉयल एनफील्ड बताया है, तो ये बेसिकली बाबा नाम आपका है, तो ये नाम कैसे पड़ा? काम अब मैं ही करता था, तो कितने सालों से काम मैं ही कर रहा था, वो बड़े बुजुर्ग बूढ़े हो गए हैं, उनसे अब होता नहीं है, तो तब से वो बाबा बाबा करते, बाबा ही फेमस हो गए हैं। अच्छा, बाबा फेमस है। हाँ, यही है सर। और ये डॉक्टर बुलेट नाम कैसे पड़ा एग्जैक्टली? डॉक्टर बुलेट जिनका काम अच्छा किया उन्होंने डॉक्टर लगा दिया। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर लगा दिया। हाँ। तो खैर एक्चुअली तो आप डॉक्टर ही हैं, बाई डॉक्टर हैं। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुन लिया ऑलरेडी। तो एग्जैक्टली मुझे आप प्लीज़ ये बताएं कि बुलेट में मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं?
मेजर प्रॉब्लम्स यही होती हैं, जैसे ब्रेक्स एडजस्टमेंट करते रहने चाहिए, चेन लूज है, लूज हो जाए चेन को एडजस्ट करो और चेन लुब्रिकेट करो, टाइम से गाड़ी को सर्विस कराओ, किसी अच्छे मैकेनिक से सर्विस कराओ, बाइक को मॉडिफिकेशन मत कराओ, जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं ओरिजिनल पार्ट्स पे ही रहें, गाड़ी को पार्ट्स उसके चेंज ना होने चाहिए, जो कंपनी रॉयल एनफील्ड से रिकमेंडेड चीज़ें हैं वो ही लगाएं, ना टायर बड़ा करें ना छोटा करें, ये सब चीज़ें जब आप छेड़ोगे तब गाड़ी में ज़्यादा मेजर फॉल्ट आता है। वैसे रॉयल एनफील्ड UCE जो मॉडल है वो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट मॉडल है। ओके, रॉयल एनफील्ड कंप्लीट रेंज में आप कौन सी बाइक सबसे अच्छी सजेस्ट करेंगे किसी को अगर लेनी हो? मैं UCE 350cc रिकमेंड करूँगा, चाहे उसमें कोई सा भी मॉडल आप ले लीजिए वो बेस्ट है। तो ये UCE 350 एग्जैक्टली क्या है? UCE का मतलब होता है यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन। इसका मतलब ये होता है इंजन गेयरबॉक्स आपका जो है वो कम्बाइंड है। पहले के मॉडल में सब चीज़ें सेपरेट होती थी, अच्छा, इसलिए उसको UCE कहा जाता है। उसे UCE से आपको पूरे ब्रेक हॉर्स पावर मिलते हैं, सेपरेट इंजन से ब्रेक हॉर्स पावर आपको कम मिलते हैं। ये फर्क होता है। तो एग्जैक्टली बेसिकली जो नए मॉडल की बुलेट है दैट इज 350 जो कहते हैं अपन, रॉयल एनफील्ड 350 इसको कहते हैं, चाहे वो क्लासिक है चाहे कोई भी मॉडल है, वो वाला आप रिकमेंड करते हैं कि ले लेना? UCE मॉडल लेना चाहिए, आप आज की डेट में UCE मॉडल ही लीजिए, 350cc के मॉडल लो, बेस्ट मॉडल है। ओके, एंड 500 एंड 350 में अगर कंपेयर करें तो कौन सी बेटर है? 350cc बेटर है। 350cc बेटर है। 500 में कुछ मेजर कोई प्रॉब्लम है या क्या है? जो 500cc है गाड़ी वो बहुत बढ़िया है, पर उसके इंजन की जो लाइफ है वो कम है, वो गाड़ी बड़ी जल्दी स्मोक उठा लेती है, गाड़ी बहुत जल्दी स्मोक उठाती है, पर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो उसको इम्प्रूव भी कर दें। पर 350 में ये है कि आप गाड़ी अगर 350 लेते हैं तो 40-50 हज़ार किलोमीटर से पहले वो स्मोक नहीं उठाती है। 500 में है कि वो 20,000-22,000 में स्मोक उठा लेती है। ये प्रॉब्लम है। तो सर ये जो बुलेट में नॉर्मली हम लेते हैं इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो क्या करने चाहिए, और अगर नहीं करने चाहिए तो क्या नहीं करने चाहिए? सबसे पहले जब भी आप रॉयल एनफील्ड ख़रीदते हैं उसके साथ एक सर्विस मैनुअल मिलती है जो शायद ही मेरे हिसाब से कोई पढ़ता होगा। सबसे पहले आपको वो सर्विस मैनुअल ज़रूर पढ़नी चाहिए, उसमें बताया होता है कि बाइक को आपने कितने किलोमीटर बाद कब और कैसे मेंटेन करना है, ठीक है जी। दूसरी बात, जैसे ही आप शोरूम से गाड़ी लेते हैं सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान है कि ना तो उसका आप साइलेंसर चेंज कीजिए, ना उसके आप व्हील चेंज कीजिए, ना उसके आप टायर चेंज कीजिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसका हैंडल बार है, उसमें बड़ा हैंडल बार बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि छोटे हैंडल बार से गाड़ी कंट्रोल में रहती है, बड़े हैंडल बार से ठीक है कम्फर्ट ज़रूर है लेकिन कंट्रोल नहीं आ सकता उसके अंदर, प्लस उसकी क्वालिटी नहीं होती बड़े हैंडल बार की, ये सब लोकल बने हैंडल बार होते हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। दूसरी, लोग सीटों को छोटा बड़ा कर देते हैं, उससे क्या होता है सीटिंग सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। तो बाइक पहली वो खरीदें जिससे आप उसके ऊपर एडजस्ट हो सकें, जैसे सीधी सीट चाहिए तो इलेक्ट्रा ले लीजिए, स्टैंडर्ड ले लीजिए, अगर थोड़ा सा शो चाहिए तो फिर आप क्लासिक ले लीजिए, उसमें डबल सेपरेट सीट सिस्टम बन जाता है। पर दूसरी एडवाइस ये है कि इसको छेड़े ना, टाइम से सर्विस अपनी कराइए, जो तेल रिकमेंडेड है वही ऑयल डालिए इसके अंदर, और अच्छे मैकेनिक से चाहे काम कराइए, मेरे से कराइए ना कराइए लेकिन किसी भी अच्छे मैकेनिक से काम कराइए। मेन चीज़ है उसको छेड़े ना, उसको साफ़ रखिए गाड़ी को, उसको रोज़ कपड़ा मारें, साफ़ रखें, कपड़ा मारने से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगती है, अगर आप रोज़ कपड़ा मारेंगे आपको पता लगेगा कौन सा नट कहाँ का है, कोई चीज़ अगर लूज़ होगी तो कपड़ा मारते वक्त आपको पता लग जाएगी कि ये लूज़ है, टाइम से अपना 500 किलोमीटर बाद उसकी चेन एडजस्ट करो, लुब्रिकेशन करो, तो गाड़ी आपकी सही रहेगी। एक और क्वेश्चन है मेरा जो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, जो मैंने काफ़ी सारे रॉयल एनफील्ड जो चलाने वाले हैं उनसे मैंने सुना है कि जब तक फ्री सर्विसेज होती हैं तब तक लोग कंपनी में जाते हैं, ठीक है, बट उसके बाद लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर जाके उसका काम करवाएं, ये ऐसा क्यों है? फ्री सर्विस में एक तरह से क्या होता है, एक तरह से एक वारंटी होती है कि एक साल एक बाइक कंपनी के अंडर रहती है, तो करते तो कुछ नहीं है, सिर्फ ऑयल चेंजेस तक रखते हैं कि बाई चांस कोई मेजर फॉल्ट आ जाए तो फिर वो वारंटी में अंदर उसको वो ठीक करा लेते हैं। कंपनी में एक दिन में कम से कम 100-150 बाइक्स आती हैं सर्विस होने के लिए, वो आप उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे, वो चालू काम करके आपको गाड़ी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने दिन में 100-150 बाइक सर्विस करनी होती है, बाहर इसलिए होता है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है,
अच्छा मैकेनिक थोड़ा टाइम लेता है, एक पर्टिकुलर एक एक चीज़ करके चेक करता है, व्हील चेक करता है, क्लच चेक करता है, ब्रेक चेक करता है, थोड़ी इंपॉर्टेंस बाइक को मिल जाती है, थोड़ा पर्सनल अटेंशन मिल जाता है, परसेंट है, हाँ पर्सनल अटेंशन मिल जाता है जो कि वो कंपनी में नहीं मिलता, ये रीज़न दैट इज द मेन रीज़न बेसिकली। चाहे हम कंपनी से कराएं चाहे आपसे कराएं, काम तो वही होगा, बट अगर आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन दे देते हैं, बाकी सब चीज़ें चेक कर लेते हैं, कंपनी वाले वो शायद नहीं करते। नहीं ऐसा होता ना, नहीं इसमें फ़र्क भी होता है, जैसे मेरे जैसा काम करेगा, मेरे जैसे को 22 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी वाला काम करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सपीरियंस होगा, 2 साल का, 6 महीने का, और वो शुरू हो जाएगा, एक्सपीरियंस उसमें काउंट करता है कि आप जो आदमी इस पर काम कर रहा है उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसको कितनी नॉलेज है, वो कितनी जल्दी फॉल्ट को पकड़ता है। तो सर बेसिकली अब फाइनली आप जो भी बुलेट ओनर्स हैं उनको एक सबसे अच्छा एक मैसेज आपकी तरफ से क्या देना चाहेंगे बुलेट और रॉयल एनफील्ड ओनर्स को? मेरा मैसेज ये है कि सबसे पहले आप इसकी सर्विस मैनुअल ज़रूर पढ़ें, उसके बाद कभी आप किसी लंबे ट्रिप पे जाते हैं अपने मैकेनिक से उसको उसकी चेन ब्रेक्स लुब्रिकेशन वायर्स कंट्रोल केबल ये सब चेक कराएं। दूसरा उसको हमेशा गाड़ी को साफ़ रखें, साफ़ जितनी रहेगी उतनी गाड़ी की जो लाइफ है उतनी उसकी पेंट की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी, ऐसे मेरा यही है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी बाइक को आप खुद मेंटेन करें, थोड़ा ध्यान रखें हर चीज़ पे ध्यान रखें, तो अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बाइक की लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी और आपको पता भी रहेगा कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है या कुछ है या नहीं। और खुद थोड़ा कोशिश करें कि मैकेनिक के साथ बैठ के थोड़ा बहुत खुद बेसिक्स लर्न करें। ओके बेसिक जो होते हैं छोटे मोटे जैसे तार चेंज करना, ब्रेक एडजस्ट करना, चेन एडजस्ट करना, लुब्रिकेशन करना, ये थोड़ा खुद सीखें। अगर आपको बाइक से इतना प्यार है और लंबे ट्रिप का शौक है तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही आपको आनी चाहिए, थोड़ा बहुत समझें कि कौन से ट्यूब लगती है टायर के अंदर, कौन से वायर लगे, कंट्रोल केबल्स लगेंगे, ये थोड़ी बहुत ही नॉलेज आपको होनी चाहिए। बैटरी वाटर चेक करना चाहिए, बैटरी के टर्मिनल्स आपको पता होना चाहिए साफ़ हैं या चेंज होने वाले हैं, इतनी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए आपके। तो राइट बाबा सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सो आपको ये वीडियो पसंद है और लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन मिली ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है राइट सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। तो गाइस कैसा लगा व्लॉग? आई बिलीव व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, इन्फॉर्मेशनल है काफ़ी, मैंने कोशिश की है कवर करने की कुछ एक नया, कुछ एक नई चीज़। वैसे रॉयल एनफील्ड जितने भी लोग चलाने वाले हैं उनको मैक्सिमम ये जगह पता है, आई बिलीव पता होगी बिकॉज ही इज़ वेरी फेमस। एंड गाइस व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, अगेन सर्कल आ रहा है, क्लिक करो एंड सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। और कुछ एक इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैंने पहले भी बनाए हैं जो यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे, उनको भी देख लो एक बार। सो गाइस दिस वॉज आर नी एंड यू वर वॉचिंग ट्यूबो एक्सट्रीम।